हेलो एवरीवन नमस्कार मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम रिसेंटली जो खत्म हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 का मेंस पेपर उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करेंगे कि भाई किस पेपर में जी एस वन टू थ्री में कौन से सेक्शन से कितने नंबर के सवाल बने कौन से सेक्शंस का वेटेज बढ़ रहा है एंड किस तरीके से यू कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव योर एफिशंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन राइट सो बिफोर वी बिगिन बहुत सिंपल सा एक डिस्क्लेमर कि कभी कभार मल्टी कैटेगरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भईया आपको हंगर एंड पावर्टी मिक्स करके सवाल पूछ लिया जाएगा या आपको हंगर एंड पावर्टी के साथ साथ डेवलपमेंटल पॉलिसी के बारे में पूछ लिया जाएगा या आपको एन जी ओज एंड एस एच जीज के साथ साथ वुमेन uh, एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा सो इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू क्लासीफाई तो ये जो क्लासीफिकेशन में मैंने नंबर डाले है, इनको it, not, manner, हैं इनको टेक इट नॉट डोंट टेक इट एज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव मैनर ये इंडिकेटिव चीज़ें हैं एंड इंडिकेटिव किस चीज के हैं ये कि किस सेक्शन से कितने नंबर का सवा, सवाल बन रहे हैं राधर देन इस पर्टिकुलर टॉपिक से राइट सो लेट्स बिगन विद जी एस वन तो जी एस वन में अगर हम देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से करीब ये चार टॉपिक्स हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बनते हैं एंड दे टोटल टू अबाउट सेवेंटी फाइव मार्क्स जो कि अगर हम देखें तो वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नोटिस इज की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से पिछले कई सालों से कोई सवाल नहीं बना था बट इस साल एक सवाल वहाँ बना है एंड ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर को जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे दी गई थी उसको वापस यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम आते हैं तो अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी से एवरेज करीब आपके पैंसठ से अस्सी सौ यहाँ पर तो सौ नंबर का बना हुआ है एंड सिमिलरली फिफ्टी फाइव एंड यहाँ पर नब्बे नंबर का बना हुआ है एंड यहाँ पर अगर इंडियन सोसाइटी देखें तो देर इज़ अ स्लाइट डिक्रीज कि यहाँ पे पिचहत्तर नंबर का इंडियन सोसाइटी रह गया है जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा वेटेज आती थी एंड 2021 के पेपर में थोड़ा जियोग्रफी के सेक्शन के लिए वेटेज बढ़ गया है कि यहाँ पे 100 मार्क्स का वेटेज है वेर एज अर्लियर इट यूज टू बी अराउंड 70, 75 फाइव या 85 फाइव दिस इज सेवेंटी फाइव यहाँ देखो तो ये सिर्फ 70 है तो ज्योग्राफी का जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ज्योग्रफी से रिलेटेड सवाल जो कि ऑब्वियसली कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड भी होते हैं ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज की डेट में सो जी एस वन के लिए जोग्रफी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन चूज टू और अफोर्ड टू इग्नोर एनी मोर आर्ट एंड कल्चर बैक टू नॉर्मल ये अब इरेगुलैरिटी थी एंड इट्स गुड दैट दिस ट्रेंड हैज़ नॉट बिन रिपीटेड क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर जी एस वन स्पेशली हिस्ट्री वाला सेक्शन अगर आर्ट एंड कल्चर के ही सारे सवाल आने लग जाते हैं तो सो दिस मीन्स की द पेपर इज गेटिंग अ लिटिल मोर अपलाइड क्यों क्योंकि जोग्राफी के जो सवाल बनते हैं दे आर ऑलवेज हिस्ट्री के सवाल जो बनते हैं एनालिटिकल होते हैं काफ़ी बट जोग्राफी के जो सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं सेम फॉर इंडियन सोसाइटी तो जी एस वन में अगर आप ट्रेंड नोट करो तो इट इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एन अप्लाइड पेपर क्वाइट सिमिलर टू जी एस थ्री तो जी एस टू की अगर हम बात करते हैं लेट्स कम टू जी एस टू सो जी एस टू में वी हैव <coughs> बेसिक uh, अगर ये एवरेज आप देखो तो दिस इज़ अ वेटेज एवरेज वेटेड एवरेज जो मैंने निकाली है वेटेड एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2021 को 40 परसेंट वेट दिया है 2020 को 30 परसेंट इसको 20 परसेंट एंड इसको 10 परसेंट सो इन वेटेड एवरेज के हिसाब से ये ओवरऑल एवरेज आई है यहाँ पे एंड इसको हम इसी तरीके से फिर एक इंडिकेटिव मैनर में लेके चल सकते हैं <coughs> तो अगर हम जीएस टू के टॉपिक्स देखें तो या यहां तक आपका आता है बिल्कुल ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स है मतलब सब आप देखोगे तो डीलिंग विद फेडरल स्ट्रक्चर, देर डीलिंग विद सेपरेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इन स्टेट फंक्शनिंग स्ट्रक्चर इेशन ऑफ एक्जेक्यूटिव जुडिशरी मिनिस्ट्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सो दिस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट हालांकि इसका सवाल नहीं आया यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट स्टैचूटरी एंड यहां पर आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है इंटरवेंशन वेरियस डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड इश्यूजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ से भी जैसे कि देख रहे हो कि पिछले साल नहीं आया था बट हर साल एक या दो सवाल यहाँ बन जाते हैं और जी एस टू में क्योंकि टॉपिक्स ही इतने सारे हैं देर अबाउट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टॉपिक्स जो कि पेपर के सिलेबस में दिए हैं सो बल्कि जनरली हर टॉपिक से एक या दो सवाल आपके एटमोस्ट बन रहे होते हैं बट ओवर हीयर ओब्वियसली पार्लियामेंट इज़ बिकमिंग अ स्लाइट फेवरेट एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे दिज नथिंग मा शुड डिलिबरेट क्योंकि कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जहाँ से बहुत भारी मात्रा में सवाल आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अगर ओवरऑल हम देखें तो कितना हमारा बन रहा है थर्टी फोर्टी फाइव एंड सेवेंटी ट्वेंटी नाइन्टी हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली एक सौ पच्चीस नंबर आपके सीधा सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगर गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट को मिला लें तो एक सौ पच्चीस से एक सौ चालीस नंबर आपके इस सेक्शन से बन रहे होते हैं कि जी एस टू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड एंड फोर्टी मास विच इज लाइफ फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ पेपर टू बाकी सेक्शंस की बात करें यहाँ पे कि भाई डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो कि एन जी ओ एस एच जी क्या हैं उनका स्कोप कितना रहता है उसके अलावा कि भाई वेलफेयर स्कीम्स बाई सेंटर एंड स्टेट्स देन हंगर सॉरी हंगर एंड पावर्टी हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन सब चीज़ों की बात करें तो पिछले सालों तक अगेन सिविल सर्विसेज से रोल ऑफ सिविल सर्विसेज कोई सवाल नहीं है सर बट अगर ये चीज़ हम देखें तो टिल लास्ट ईयर दिस वॉज अबाउट फोर्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव इस साल दिस इज़ अगेन अबाउट सिक्सटी मार्क्स इससे पहले भी एवरेज अग, अगर हम यहाँ देखते हैं तो पंद्रह एंड uh, ये बत्तीस चालीस एंड साठ ऑलमोस्ट साठ का ही एवरेज है हर साल इस सेक्शन से साठ नंबर के करीब आपके बन रहे हैं दिस सेक्शन जहां से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रह रहा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है उससे हर साल आपके पचास नंबर के सवाल बनते हैं यहां भी पचास है यहां भी पचास uh, ही है एंड ओवर हि एवरी ईयर जो इंटरनेशनल रिलेशन है जी एस टू इज ऑबियसली पॉलिटी स्कीम्स प्लस आई आर राइट तो पॉलिटी से हमने देखा कि 125 नंबर बन रहे हैं स्कीम्स से पैंसठ सत्तर नंबर बन रहे हैं यहाँ पे आपके पैंसठ से 70 या 125 से 140 सौ वेरी कर रहा है सो यहाँ आई आपका कॉन्सेंट है 50 नंबर का इस साल भी 50 नंबर का आया है सो लाइक नथिंग मच टू डू देर आई आपको करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट डेफिनेट चीज़ है कि भाई आपको इतना नंबर यहाँ से बन ही रहा है सो कमिंग टू जी जीएस थ्री में इसी तरीके से देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से कितने सवाल आए हैं या डिफरेंट सेक्शन से कितने सवाल बने हैं इस बार तो जीएस थ्री में क्योंकि आ, अगर सिलेबस आप देखो सो देर आर अबाउट थर्टी टॉपिक्स थर्टी सब हेडिंग्स विद इन द जी एस थ्री पेपर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हर सब हेडिंग से एक सवाल बन जाए जो कि मतलब जीएस वन में डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि जीएस वन में जो सिलेबस की हेडिंग्स हैं दोज आर लिमिटेड जीएस टू में स्टिल पॉसिबल क्योंकि तेईस ही हैं तो एक दो तीन ही मिस होंगे बट जी एस थ्री में देर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है तो ब्लैंक स्पेसिस यहाँ पे काफ़ी रहते हैं बट <coughs> अगर देखें तो ये वाले तीन जो हैं दीज डील विद इकॉनॉमी कि प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ इश्यूज अग गवर्नमेंट बजटिंग तो ये सारे जो हैं इकोनॉमी के हैं यहाँ से आपके यहाँ तक जो आते हैं दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सो ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं कि भाई कौन से सेक्शन से कितने आ रहे हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई सिलेबस से आपको काफ़ी अच्छे से वाकिफ होना जरूरी है बिकॉज देन यू कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कि भाई किस सेक्शन से आपको कितना एफर्ट डालना है कितना आपको वहाँ पे सीखना है या समझना है तो अगर गवर्नमेंट बजटिंग की बात करें तो देर इज़ अप्रॉक्सीमेट इकोनॉमी की बात करें तो पचास नंबर का इकोनॉमी है एक तो जी एस थ्री में सेक्शन ही इतने होते हैं देर इज इकोनॉमी देर इज एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स तो ये आपका इकोनॉमी का पार्ट ही आ जाएगा टेक्निकलीनॉमी एंड और जो सेक्शंस आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट इंटरनल सिक्योरिटी तो एक तो इस पेपर में सेक्शंस ही इतने हैं तो हर सेक्शन को ऑलमोस्ट 50 50 50 नंबर का स्ट्रेट ऑफ यूपीएससी ने बहुत दिमाग नहीं लगाया एग्रीकल्चर का भी आप देखोगे तो अगेन 50 नंबर 50 नंबर फॉर इकॉनॉमी ये वाला इकॉनॉमी का सेक्शन खाली है जब एग्रीकल्चर यहाँ से हल्का हो जाता है तो यहाँ भारी हो जाता है सो तो मतलब इस तरीके से एक बैलेंसिंग चल रही है और देखते हैं तो साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक से मेन्स में आपका पंद्रह नंबर का ये बन रहा है देन अवेयरनेस पच्चीस नंबर का ये बन रहा है सो चालीस नंबर का साइंस एंड टेक आपका हो गया देन एनवायरमेंट आपका थर्टी फाइव बिकॉज एनवायरमेंट का एक ही हेडिंग है यहाँ पे एनवायरमेंट दिस इज साइंस एंड टेक यहाँ पे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी काफ़ी स्टैंडर्स है कि हर साल दो सवाल बनते हैं आपके एक टेन मार्कर एक मे बी फिफ्टीन मार्कर या दो फिफ्टीन मार्कर तो उस तरीके से ही ये ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है ना लास्ट पार्ट जो आपका आता है इंटरनल सिक्योरिटी तो इंटरनल सिक्योरिटी में मल्टीपल सेक्शन हैं आपके कि भाई पहले एक्सट्रीमिज्म की बात करी गई है देन यूर टॉकिंग अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स देन यू टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉर्डर सिक्योरिटी टेररिज्म वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज तो एकदम खाली चल रहा है कई सालों से तो मे बी शायद अगले साल इस पर यू पी सरप्राइज़ सवाल पूछ ले बट ओवरऑल uh, अगर आप देखो सो फिफ्टी मार्क्स का ये सेक्शन आपका आ जाता है पंद्रह दस दस पंद्रह सो इसी तरीके से ये ऑलमोस्ट हर साल चलता है पिछले साल थोड़ा कम था आ, नहीं पिछले साल ये एक्सट्रीमिजम वाला यहाँ पे आ जाएगा सो दिस इज़ आल्सो फिफ्टी मार्क्स इससे पिछला देखो तो दिस इज़ आल्सो फिफ्टी मार्क्स इससे पिछला देखो तो दिस इज़ आई थिंक मोर फोटी एंड सिक्सटी मार्क्स तो जी एस थ्री में अगर आपने देखा हो तो बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच चल रहा है कि इकोनॉमी से पचास नंबर के सवाल बनेंगे एग्रीकल्चर से पचास नंबर के सवाल बनेंगे आपके साइंस एंड टेक से पंद्रह से बीस नंबर के सवाल बनेंगे आपके नहीं सॉरी साइंस एंड टेक इज ऑल्सो इंक्लूडिंग अवेयरनेस ऑफ आई टी बायोटेक्नोलॉजी सो साइंस एंड टेक से ऑल्सो चालीस नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके बन रहे हैं पच्चीस से तीस नंबर देन इंटरनल सिक्योरिटी के आपके बन रहे हैं अगेन पचास नंबर इंटरनल सिक्योरिटी पचास तो अप्रॉक्सीमेटली दस बीस दस पंद्रह दस पंद्रह ऊपर नीचे करके ये टोटल आपका ढाई नंबर का बन जाता है सो दिस वॉज दी स्प्रेड ऑफ मार्क्स इन द पेपर दिस टाइम अराउंड एंड आई होप इससे आपको कुछ ये एटलीस्ट एक प्रायोरिटी ऑर्डर का पता चला हो कि भाई बाकी सब तो ठीक है बट इस सेक्शन से इतने नंबर के सवाल बनते हैं एंड इसको इतना मेहनत या इतना एफ़र्ट डालना है यहाँ पे इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन क्योंकि बहुत लोगों का सवाल बनता है कि भाई ऑप्टिमाइज़ कैसे करें किस चीज़ को कितना ध्यान दें एग्रीकल्चर कितना पढ़ना है तो एग्रीकल्चर पचास नंबर का आएगा देख लो भाई कितना पढ़ना है उसके हिसाब से राइट सो दैट्स इट फॉर टू डेज वीड एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी एनालाइजिंग ईच एंड एवरी पेपर इन मेन्स कि भाई कि किस तरीके से आप फ्रेमवर्कस का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते थे ड्यूरिंग द मेन्स पेपर्स फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल हम कैसे करके देखेंगे कि किस फ्रेमवर्क को हाँ, अगर हम इस सवाल में लगाते तो हमारा काम आसान हो जाता ताकि वी कैन जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स ईजिली क्योंकि पॉइंट्स आप कभी भी जनरेट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स नहीं आते हैं आपको इट बट वन यू यूज अ स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर से चल रहे होते हो आप सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू जनरेट पॉइंट्स सो वी विल लुक एट ईच जी एस वॉइन टू थ्री फोर पेपर्स एंड फिगर आउट कि भाई क्या फ्रेमवर्क अगर हम इस सवाल में इस्तेमाल करते हैं तो इट वुड बिन ईजियर एंड वी वुड बिन एबल टू स्कोर मोर मार्क्स राइट सो दैट्स इज फोर टू बेस्ट ऑफ लक एंड एन्जॉय योर यू पी एस सी जर्नी